अलीगढ़ 15 साल से अपनी बदहाली का बनवास काट रही है कॉलोनी। लोगों ने बनाया चुनाव बहिष्कार का मन। जनता का कहना आके चुनाव के समय क्यों याद आती है ये कॉलोनी। कॉलोनी वासियों द्वारा किया गया चुनाव बहिष्कार। आपको बता दें, निकाय चुनाव का बुगुल बजते ही अलीगढ़ में प्रत्याशियों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और सपा में टिकटधारियों नेताओं व पार्टी कार्यालय की परिक्रमा लगाने का दौर जारी है। सभी टिकटधारी अपने अपने पवल दवादारी तेज कर अपने अपने गुटों के साथ चुनाव प्रचार में तेजी से जुट गए हैं। जनता की चरण वंदना में लग गए हैं, लेकिन अहम मौके पर जनता द्वारा कुछ अलग करने का मन बना लिया गया है। जिस अलीगढ़ के तहसील इंग्लिश के कस्बे स्थित चंपा कॉलोनी वासियों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब वहां चेयरमैन प्रत्याशी वोट मांगने गए थे, लेकिन वोट देने की तो किसी ने हाँ नहीं बोली, उल्टा प्रत्याशी को खरी खोटी सुनाते हुए उल्टे फेर वापस कर दिया। जब कॉलोनी वासियों से इस बात की जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया, इस कॉलोनी में लगभग 15 साल से विकास नहीं हुआ। यहाँ जल भराव की समस्या काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जल निकासी के लिए नालियाँ नहीं है। यहाँ बिजली के खम्भे तो है, लेकिन उन पर तार मौजूद नहीं है। लोगों द्वारा बताया गया, अपने पैसे डालकर ही खम्भे लगाए गए हैं, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। जब बात सड़क के बारे में पूछी गई तो लोगों द्वारा बताया गया, वही सड़क है जिसके बनवाने के बाद सिर्फ चुनाव के समय ही किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव सम्पन्न हो जाता है तो लोगों को बताया जाता है ये कॉलोनी नगर पंचायत में नहीं आती। यही कारण है इस बार जनता द्वारा वोट बहिष्कार का मन बना लिया गया है और किसी को वोट न देने की बात कही जा रही है। सालों से विकास कार्य में क्या किया आपने वार्ड नंबर में? अपने में वार्ड नंबर 8 में विकास कार्य, मगर मेन चीज जो चंपा कॉलोनी उसमें विकास कार्य नहीं हो पाए। आज भी चंपा कॉलोनी पूरी महरूम में, ना ही कोई नालियां, ना खरंजे है, ना ही बिजली के पोल्स है, पोल्स पे तार नहीं है। क्या मानना है आपका? मेरा मानना यह है कि सबसे 5 साल में जो विकास कार्य में जो प्रस्ताव हुए नगर पंचायत में, आज भी मेरे हाथ से कम 8-9 प्रस्ताव रखे हुए जिनपे आज तक अंधेरी हुई वो हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष की और प्लस जो ईओ थी उनकी मेहरबानी रही है। क्या उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है? क्या उन्होंने विकास कार्य में अड़चन पैदा की? हाँ, अड़चन पैदा हुई है। इसकी शिकायत वगैरह आगे आपने क्यों नहीं की? मैं शिकायत की है, शिकायत क्यों नहीं किया? एसडीएम का शिकायत लिखी हुई रखी हुई है। क्या नाम है आपका? संजीव बघेल, वार्ड नंबर 8 से पूर्व सभासद हूं इस टाइम। आप आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं ये कहती हूँ, मैं चुनाव का विरोध कर रही हूँ, मैं किसी को वोट देना नहीं चाहती हूँ। मैं 15 साल से इधर चंपा कॉलोनी में मौजूद हूँ, ना कोई विकास है, ना पानी का आवागमन है। मेरे घर पे भी 11,000 की लाइन जा रही है। मेरे गेट के सामने लट्ठा जो लगाया हमने, उसको पैसा दे के हम नगर पालिका में और उस लट्ठे को यहाँ लेके आए, तब इधर लगाया। बाकी सब जगह पक्का है, सब जगह मतलब रोड बन चुके हैं, नाली की व्यवस्था है, सब कुछ है। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं जब भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं? बोला क्या कहते? विकास सब कुछ होगा, पक्का होगा, जरूर होगा। जब कल भी आए थे हमने बोल दिया हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम वोट देना चाहते ही नहीं है। लगभग कितने सालों से यहाँ विकास नहीं हुआ है? 15 साल से मैं इधर रह रही हूँ, मैं 15 साल की बात कर रही हूँ। क्या लगभग शिकायत वगैरह की हूँ आपने कहीं? शिकायत की है बराबर, मेरे हस्बैंड आर्मी में सर्विस करते हैं, मैं बराबर जब भी आते हैं बोलती हूँ आप उधर तो इतने अच्छे अच्छे में रहते हैं, इधर हम कचड़े में पड़े हुए, थोड़ा जाइए तो नगर पालिका बता के आइएगा। तो हरीश चेयरमैन जो थे पुराने, वो यही बोलते हैं कि बोला चंपा कॉलोनी से तो वोट ही नहीं मिलता। ऐसा है कि वोट नहीं मिलता है? अब की बार क्या मन बनाया है आप लोगों ने? अब की बार मैंने मन, जो भी आएगा मैं मना करूंगी, मुझे वोट नहीं देना है। मैं एक आर्मी वाले की बीवी हूँ, ऐसी थोड़ी है, लोकल आदमी की बीवी थोड़ी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमाया देवी है। किस जगह से बिलोंग करती हैं आप? मैं इसी जगह से करती हूँ, यहाँ खड़ी हूँ कच्चे में। कौन सी कॉलोनी है ये? चंपा कॉलोनी है।